ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हीं को बोला जाता ना फाइव आईज। उन्होंने लगा दिए प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाते तिलमिलाना किसको चाहिए था, तिलमिला कौन रहा है, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है। वैसे तो बड़ी मतलब कट्टरता दिखाई जाती है सरकारों के आपस में, भाई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, तृणमूल टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। जब फाइव आईज ने प्रतिबंध लगाए और फाइव आईज ने जब कुछ बोला तो तिल मिलाना तो चाहिए था सरकार को, सरकार को बयान देना चाहिए था या विदेश मंत्रालय को। टीएमसी के सांसद क्यों तिल मिलाए भाई, टीएमसी के जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको दिक्कत क्या हुई, कोई सोच के बताएगा? मतलब आपको बताया था ना, अंदर खाते सभी पार्टियां एक हैं, सभी पार्टियां एक अंदर खाते। इतने बड़ी आबादी ने दो, डीजे चलने दो, फिर पूरे उसमें देश में होने दो, चलने दो बीजेपी की सरकार। समस्या कहाँ आ रही है, जब जवाब दूसरों को देना पड़ रहा है तो समस्या कहाँ आ रही है? सबसे पहले सुनो आप इसका पूरा। टीएमसी सांसद ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनके फाइव आईज सहयोगियों पर हमला करते हुए उनके ऊपर पाखंड और दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। पाखंड, पाखंड सबसे ज्यादा कहाँ, सबको पता है, मेरे ख्याल में तो कलकत्ता ज्यादा तो पाखंड और यूपी ज्यादा पाखंड तो कहीं होता भी नहीं होगा, कहीं होता होगा। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनके फाइव आईज सहयोगियों पर कड़ा हमला करते हुए उन पर पाखंड और दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। सांसद ने खासतौर पर कनाडा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रूडो सरकार ने भारत के आतंकवादी घोषित व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर को कार्यकर्ता बताकर भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि इसी तरह के चरमपंथियों के खिलाफ कनाडा का रुख कुछ और ही है। टीएमसी वालों को क्या दिक्कत होने लगी, कोई बताएगा मेरे को? सोच का बताना थोड़ा सा भाई, इस टीएमसी वालों को क्या समस्या हो रही है, बताएंगे टीएमसी वालों की भी समस्या बताएंगे। जब फाइव आईज ने प्रतिबंध लगाए है ना, अब इनको ये लग रहा है कि अब तुम जाओगे कहाँ, कुछ नहीं कर पाओगे, अब बजेगा तुम्हारा असली चमटा, डीजे फूकनी, सब कुछ बजेगा तुम्हारा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या में भारतीय एजेंट की संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अमेरिका के आगे हाँ करके, ये भी एक अलग चीज है। इस रुख को पाखंडापूर्ण करार देते हुए कनाडा सरकार उन व्यक्तियों को कार्यकर्ता कहती है जिन्हें भारत ने आतंकवादी घोषित किया है। निज्जर की हत्या का मामला कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव का कारण बन गया। सांसद ने ट्रूडो और उनके फाइव आईज सहयोगी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये देश चुनिंदा रूप से आतंकवाद की परिभाषा तय करते हैं, चुनिंदा रूप से। सुनना आप इनका चुनिंदा रूप क्या बताया इन्होंने। सांसद ने इसराइल और लेबनान के उदाहरण का देते हुए कहा कि ये वही देश है जिन्होंने लेबनान के संप्रभु क्षेत्र में इसराइल के हमले का समर्थन किया था, जिससे कई लोगों की जानें चली गई। उन्होंने कहा, जब इसराइल लेबनान में प्रवेश करता है तो इसे आतंकवाद विरोधी अभियान और आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाता है, लेकिन कनाडा जैसे देश के लिए भारत के दुश्मन कार्यकर्ता बन जाते हैं। इसका भी आपको बताएंगे, थोड़ा खुल कर सुनते जाना। सांसद ने फाइव आईज देशों के लिए कहा कि अगर इन देशों में थोड़ी सी भी ईमानदारी होती तो वे इसराइल के लेबनान में आक्रमण के खिलाफ सख्त और दृढ़ रुख अपनाते। साथ ही ये भी कहा कि इन देशों के रवैये से साफ पता चलता है कि आतंकवाद की उनकी परिभाषा उनके राजनीतिक और कूटनीतिक हितों के अनुसार बदलती रहती है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जहां एक तरफ हिजबुल्ला जैसे संगठनों को आतंकवादी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मनों को कार्यकर्ता बताकर उनकी नीतियों के दोहरे मानदंडों का पर्दाफाश करते हैं। इन्होंने किसका नाम लिया, हिजबुल्ला का नाम लिया ना इन्होंने, क्योंकि तुम लोग हिजबुल्ला का समर्थन करते हो, तुम लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हो, इसलिए तुम्हारे को तकलीफ हुई तुम्हारे को। तुम मना इसराइल की जगह पर किसका, ईरान का समर्थन करते हो, ईरान का समर्थन करते हो, इसलिए तुम्हारे को तकलीफ हुई, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका और सारे देश खड़े हो गए, तुम कुछ कर नहीं पाए, ईरान को डाउन होना पड़ा, ईरान डाउन होया, तुम्हारा बहुत कुछ डाउन हो गया जो तुम्हारा चल रहा ना। अगर तुम्हारे को अमेरिका जैसे देशों से इतनी नफरत है, फिर तुम्हारे बच्चे वहां की नागरिकता क्यों लेना चाहते हैं, तुम वहां की नागरिकता क्यों लेना चाहते हो, ये सवाल करेगा कोई नहीं से करेगा। टीएमसी के कितने सांसद होंगे जिनके बच्चे अमेरिका के अंदर पढ़ रहे होंगे, कोई पूछेगा? ये सिर्फ यहां पर लोगों को ये दिखाते, भड़काने की कोशिश करते ताकि लोग नफरत करें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम से या न्यूजीलैंड से। ये देश कितने शांतिप्रिय और कितना बड़ा, मतलब इन्हें कानून का अधिकार कितना है वहां पे, पता है किसी को? पता है क्या, ये ऐसे उठ के मुंह खोल देते हो, ये कर दिया वो कर दिया, ठोक दी तुम्हारी मंजी ठोक दी फाइव आईज ने, और ऐसी मंजी ठोक दी कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा असली समस्या कहां पे आ रही है। असली समस्या आ रही टेबल टॉक के अंदर। अब टेबल टॉक करनी पड़ेगी, कौन जाएगा, जाना पड़ेगा तुम्हारे पापा को, चाहे तुम कांग्रेस में हो, चाहे तुम टीएमसी में हो, चाहे तुम बीएमसी में हो, चाहे तुम सीएमसी में हो, पापा तुम्हारा सबका एक है,
बाप तुम्हारा सबका एक है, बस अपने बाप के पीछे पीछे चलना है। एक तरफ तो ये दिखाएंगे देखो हम बीजेपी का विरोध करते हैं, हम ये करते हैं, दूसरी तरफ जल्दी पापा के पैर पकड़ जाते हो जल्दी। ये है तुम्हारी हकीकत, ये है तुम्हारी सच्चाई। बताया था सभी पार्टियां अंदर खाते एक, कोई अलग नहीं। अगर तुम सोच रहे कोई पार्टी अलग है, ये क्यों तिलमिलाई हुई टीएमसी के सांसद क्यों तिलमिलाई, ये बताओ। सांसद तो टीएमसी के हैं, तिलमिलाए क्यों, क्यों तिलमिलाए? अगर इनके पास जवाब मांग ले 84 का जवाब मांगो, सभी खामोश। हाँ सिख लंगर लगाओ, बहुत अच्छे सिख, सिख मदद करने जाओ बहुत अच्छे सिख, ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लंगर लगाओ बड़े अच्छे भाई सिख, बहुत दानी होते हैं। वही सिख अगर बोल दे कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमें हमारा अधिकार चाहिए, तो वो खालिस्तानी आतंकवादी हो जाते उसी टाइम पे, उसी टाइम पे वो आतंकवादी बातंकवादी घोषित हो जाते हैं। कमाल की बात नहीं है, इससे ज्यादा कमाल और आप कहां देखोगे? फाइवाज ने जो फैसला लिया ना, सोच समझ के लिया है, उन्होंने सिखों के हक में फैसला लिया है। और तुम्हारे को अब तिलमिलाट तुम्हारी होनी है, होनी है तुम्हारी तिलमिलाट। तुम्हारे को पता लग लिया मोटा मोटा कि खालसा राज की शुरुआत हो चुकी है, ये खालसा राज की शुरुआत हो चुकी है, और तुम्हारी तिलमिलाट भी जायज है, तिलमिलाना चाहिए तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि खालसा का एक सिक्का ना $13 में आता था, $13 में एक सिक्का आता था खालसा का, और आज ₹84 से ऊपर का $1 हो रखा है। $1 एक महापाखंडी महाधुरुत महाजूठलर ने कहा था रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब रुपया किसका गिर रहा है पता लगा लो, कूटनीति तुम्हारी फैल, विदेश नीति तुम्हारी फैल, बस यहाँ पर सब कुछ बेचने में लगे हो, बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो, बेच बेच के भट्ठा बिठा दिया देश का, भट्ठा बिठा दिया। जब वहां से दूसरे देशों से आवाज उठने लगी भाई सिखों का अपना एक अलग से वो होना चाहिए, खालसा राज जरूरी हो गया अब दुनिया के लिए, दुनिया के लिए खालसा राज जरूरी हो गया है। और ये तो 100 साकी में लिखा हुआ है, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो इतनी ज्यादा, 100 साकी के अंदर लिखा हुआ है खालसा राज तो आएगा, तुम्हारी तिलमिलाट ऐसे ही रह जाएगी, तुम ऐसे ही तिलमिलाते रहोगे। भाई भाई इसको फैसला कर दियो, अमरीका भी खराब, न्यूजीलैंड भी खराब, ऑस्ट्रेलिया भी खराब, यूनाइटेड किंगडम भी खराब, बस सब कुछ खराब, ये अच्छे हैं भाई, ये कहाँ से आए? कनाडा को तो तुम खराब कहते रहते रोज गिरोज, दिल्ली तुम तो कनाडा ट्रूडो के पीछे लगे हुए थे, तुम्हारे को ये नहीं पता था सरपंच तुम्हारा कल्याण करने जा रहा है, सरपंच सरपंच बुला रहा है तुम्हारे विश्व गुरु को, आजा भाई बातचीत करते हैं थोड़ी, कुछ ज्यादा ही हो रहा। एक तरफ संबंध निकलता है डोभाल साहब के नाम पर, डोभाल साहब अपने बेटे को अमेरिका की नागरिकता दिलवाना चाहता है, कमाल की बात नहीं है? इससे बड़ा कमाल आप और कहाँ देखोगे, कहाँ देखोगे इससे बड़ा कमाल आप? बस तिल मिलाना शुरू, चिल्लाना शुरू, और चिल्ला भी कौन रही है देखो ना, चिल्लाने वाले कौन है पता लगा? थोड़ा सा ना जब जहाज डूबता ना चूहे सबसे पहले जंप लेते हैं बाहर की तरफ, चूहे सबसे पहले जंप लेते हैं, चूहे निकलेंगे अब चूहे। खालसा राज के अंदर प्योर खालिस रहेंगे, खालसा रहेंगे, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, लेकिन प्योर शुद्ध सच्चे इंसान रहेंगे। ऐसे दोगले मापदंड वाले ना चाहिए जैसे बल्टोआ, जैसे गिरा हुआ इंसान बल्टोआ, उसे गिरा हुआ इंसान आप कहीं भी नहीं देख सकते। जथेदार साहब बहन बेटी सबकी बराबर होती है, और एक खालसा जो होता है ना पग में सिर फंसाकर तेरे से पता नहीं कितने पाखंडी बैठे हुए पलटवा जैसे, पलटवा का तो मैंने बहुत पहले बताया था सबसे बड़ा पाखंडी है पंजाब का, और सामने आ गया सबके सामने चेहरा। SGPC को चाहिए ऐसे दुरुत के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, कठोर से कठोर कार्रवाई, नहीं तो ना ऐसे दुरुत पंजाब का गान करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? फाइवाइज जो प्रतिबंध लगा रही है वो ठीक है या गलत है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।